कृष्ण जी आप उनके साथ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो 5000 का चुनाव हो चुका है, अभी आपने कहा कि हेमंत करकरे को जिन लोगों ने भी मतदान किया होगा वह मतलब राष्ट्रद्रोही है या क्या है? वो लोग 4 चरण का जिस पे मतदान हो चुका है, 5वां चरण कल होने वाला है। और दूसरा सवाल, कांग्रेस के ऊपर भी सिखों का नरसंहार का आरोप है, तो क्या मानते हैं जो कांग्रेस को भी मतदान करता है उनकी क्या हालत होगी? देखिए, जो भी वहां पर हुआ है 1984 के दंगों की बात आप बता रहे हैं, खुद आरोपी है कमलनाथ, उस मामले में खुद आरोपी है। जो भी आरोपी है, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। एक सज्जन कुमार जी उस समय शायद जेल में है, समझ रहे ना? तो ये सब प्रक्रिया कानून के हवाले से है। मैं कह रहा हूँ इतना खुल करके यदि कोई हेमंत करकरे की शहादत का मजाक उड़ाता है पहले ही बयान में, और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी उनको अपना उम्मीदवार बनाए रखते हैं, जिसके ऊपर सीधे सीधे आतंकवाद का आरोप है। सामान्य बात है, सामान्य साइकिल, एक एक